नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम रोज प्लांट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश हो रहा है। मेरा यहाँ पर लगातार बारिश हो रहा है, जैसा बरसात आ गया है वैसा टाइप का बारिश हो रहा है, जिस कारण से प्लांट को भरपूर मात्रा में न्यूट्रन मिल रहा है। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है बरसात का पानी में सब तरह का न्यूट्रन रहता है। प्लांट का ग्रोथ अभी क्या है, एकदम बढ़ते रहेगा, आपका कोई रोक नहीं सकेगा आपका प्लांट। मगर आपका प्लांट में अगर कोई बीमारी है तो 100% प्लांट का ग्रोथ नहीं रुक जाएगा, आपका होगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए, जो मिट्टी रेडी करते हैं हम लोग, उस मिट्टी को हम लोग को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, जैसा ड्रेनेज होना चाहिए। अगर मान लो आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तब जाके आपका लीव्स पीला होकर गिरते रहेगा। जितना बारिश का पानी जमा होगा रूट्स में, रूट्स डैमेज होगा, लीव्स आपका गिरते रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि लीव्स को आप लोगों को अगर नहीं गिराना है तो आप लोग अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है तो रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी भी ठंडा ठंडा वेदर है। और जहाँ पर आप लोगों का बारिश नहीं हो रहा, तेज़ी धूप है, तो उस लोग भूल से भी रिपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट करने से प्लांट अभी क्या है, गर्मी का कारण से मर भी जा सकता है। और अभी रिपोर्ट करने के लिए आप लोगों को एक बात बताता हूँ, पूरा आप लोग रूट से पूरा मिट्टी को मत हटा दीजिएगा। मिट्टी में थोड़ा बहुत होने से भी 50% करीब या 40% करीब मिट्टी लगा रहना चाहिए। 60% करीब आप लोग मिट्टी को साइड से हटा के उसका बाद पॉटिंग कीजिए। पॉटिंग करने का टाइम आप लोग लेकिन अच्छा से मिट्टी को रेडी कर लीजिए, नहीं तो फिर से आपका वही सेम प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका मिट्टी मान लीजिए ख़राब है तो आपका हमेशा सालों भर आपको प्लांट कर लेकर तकलीफ उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो मिट्टी ठीक नहीं है। तो मेरा तो यहाँ पर बहुत टाइप का मैं मिट्टी को हमेशा रेडी करके रखता हूँ, तो इसलिए मेरा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी फर्टिलाइज़र का बात बोलता हूँ। देखिए अभी क्या है, बारिश जहाँ पर हो रहा है वहाँ फर्टिलाइज़र अभी टोटली बंद रहेगा, नहीं देने से भी चलेगा आपका। लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रहा है वहाँ पर फर्टिलाइज़र आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस लोग नया व्यूअर्स है उस लोग को मालूम नहीं, वो लोग पुराना वीडियो जाके देखने से उस लोग को पता चल जाएगा कि आप फर्टिलाइज़र उस लोग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप लोग करते रहिए, मेंटेन आपका 100% रिजल्ट रहेगा। अभी क्या है, 12:61 ह्यूमिक एसिड आपको हफ्ता में एक बार दे के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका रूट्स को ठीक ठाक रखने से आपका ऊपर तरफ भी ठीक ठाक रहेगा। आपका अगर पॉट का नीचे साइड ख़राब रहेगा तो पॉट का ऊपर साइड भी आपका ख़राब देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को रूट्स को ठीक रखना पड़ेगा। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो रूट जो सादा सादा रूट्स है वो जब आप लोग पॉट से प्लांट को उठा देंगे तो देखेंगे वो सादा सादा रूट्स नहीं दिख रहा आपको, ब्लैक हो चुका है, तो रूट्स ख़राब हो चुका है। तो इसलिए हम लोग को ह्यूमिक एसिड को साथ में मिलाकर देना पड़ेगा हफ्ता में एक बार 12:61 का साथ। और प्लांट का ग्रोथ अगर आपका ठीक ठाक है तो बैलेंस एनपीके को भी आप लोग यूज़ कीजिए, 13045 0050 ये सबको आप लोग यूज़ करते रहिए, 3-4 दिन छोड़ छोड़ के। ऐसा करके आप लोग मेंटेन कीजिए, आप लोगों का 100% रिजल्ट आप लोगों को देखने मिलेगा। फंगीसाइड पानी आने का एक दिन पहले दे दीजिए, जैसा आज पानी आ रहा आप लोगों को मालूम है, तो आप लोग पहले से ही फंगीसाइड को स्प्रे कर दीजिए। फंगीसाइड स्प्रे करने का टाइम स्टिकर 100% मिला के दीजिए। स्टिकर मिला के देने से क्या होगा, वो आपका बारिश आने से भी प्लांट को मिल जाएगा आपका फंगीसाइड। तो इसलिए मैं बोलूँगा स्टिकर मिला के दीजिए। इंसेक्टिसाइड अभी आपको देने का ज़रूरत नहीं, बारिश रुकने के बाद आप लोग इंसेक्टिसाइड ज़रूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा माइट्स थिप्स का आप लोगों को देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो नया नया लीव्स निकल रहा है ये सब क्या होगा, आपका कुंगड़ा जाएगा। तो ऐसा आप लोग मेंटेन कीजिए, आप लोगों का प्लांट ठीक ठाक रहेगा। और एक बात बताता हूँ, इसको मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, क्योंकि ये मिट्टी में मेरा था, इसका ड्रेनेज ख़राब था। तो देखिए बहुत सारा दोस्त सोचा होगा कि ये प्लांट मर जाएगा, लेकिन ये देखिए मरा नहीं है, ये मेरा ठीक ठाक ही प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। तो इसको मैं अभी 12:61 कंटिन्यू अप्लाई करते रहूँगा, अभी कर रहा हूँ, जिस कारण से देखिए मेरा नया नया सूट आना चालू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो इस सब सूट को मैं रखूँगा, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बताता हूँ, हमें रिपोर्ट करने का टाइम देखिए लीव्स को हटाया नहीं था, पूरा लीव्स को हम हटाया नहीं था। जो जो लीव्स मुझे लगा कि डैमेज हो चुका है उसी को मैंने हटाया है। अभी क्या, धीरे धीरे मेरा जितना डैमेज वाला लीव्स है उसको एक आध तो हटाते रहूँगा, एक साथ मैं पूरा हटाऊँगा नहीं, ऐसा करके मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि लीव्स अगर पूरा 100% आप हटा देंगे तो क्या है, प्लांट को पीछे चल जाना पड़ेगा आपका, फिर से 2-3 महीना के बाद आपका प्लांट फिर से ग्रोथ लेगा। लेकिन अगर लीव्स रहेगा तो आपका प्लांट ग्रोथ लेने में तेज़ी से ग्रोथ लेना चालू कर देगा, क्योंकि आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसको क्या होगा, आपका रूट्स में जा रहा है, रूट्स से जाके आपका लीव्स में जा रहा है, लीव्स में जाने के बाद अब खाना प्लांट क्या है, खाना बना रहा अपना आपको, खाना बनाने के बाद क्या होगा, वो अपना आपको ग्रोथ करने के लिए सोचेगा। ऐसा आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा, जो तब जाके आप लोग लीव्स, इसलिए मैं बोलूँगा लीव्स को मत हटाइए, पूरा लीव्स को मत हटाइए, जो भी लीव्स आपका ख़राब है उसको हटा दीजिए। देखिए दोस्तों, 12:61 आप लोग कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि एडिस का ही लेना पड़ेगा, जो आपका नया दुकान में मिल रहा है या ऑनलाइन में मिल रहा है उसी को आप लोग खरीद लीजिए, लेकिन 12:61 रोज़ के लिए आपको 100% चाहिए। तो ऐसा मेंटेन करते रहिए, आपका कोई भी प्लांट में दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों का साथ आंसर दूंगा।
तब मैंने क्या क्या बोला हूँ, 12-61 ह्यूमिक एसिड हफ्ता में एक बार देने बोला हूँ, और क्या बोला हूँ, जिस लोग मिट्टी में लगाया है उस लोग क्या है फर्टिलाइजर को घुमा फिरा के देगा, अगर बारिश हो रहा तो बंद रहेगा टोटल, और क्या है फंगीसाइड को महीना में दो बार देंगे, और इंसेक्टिसाइड हफ्ता में दो बार करके स्प्रे करेंगे, एक बार माइट्स का करेंगे एक बार थिप्स का करेंगे, ऐसा करके मेंटेन कीजिए। और क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है उसको हफ्ता में एक बार यानी कि महीना में चार बार आपको देना पड़ेगा। आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट में 100% देखेंगे कि आप लोगों का आयरन रहना चाहिए, जिंक रहना चाहिए, तब जाके आप लोग इसको स्प्रे कीजिए, नहीं तो आपका फ़ायदा नहीं रहेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करने का। और स्प्रे करने का टाइम हम हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, पुराना व्यूअर्स उस लोगों को मालूम है कि लिप्स का देखिए नीचे साइड में इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना जरूरी है, क्योंकि कीड़ा क्या है पूरा नीचे तरफ ही आपका छुपा रहता है, आप ऊपर तरफ करेंगे तो उसका बदन में गिरेगा नहीं, तो क्या होगा वो जिंदा रहेगा वो मरेगा नहीं, तो अगर नीचे साइड से हम लोग स्प्रे करेंगे तो क्या है लिप्स का नीचे साइड में जो छुपा रहेगा वो या वो अंडा भी दिया होगा तो नष्ट हो जाएगा तुरंत। गर्मी काल आ गया है, पानी हम लोग को पूरा सोच समझ के देना पड़ेगा, किसी किसी पॉट में हम लोग को हर दिन दो बार भी दे सकता है, कभी कभी आप लोग एक पॉट में एक बार भी दे सकते हैं, आपका मिट्टी के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना आपको पानी देना है। पानी देने का टाइम थोड़ा भी कंजूसी नहीं करना है आपको, पानी पॉट का ऊपर आप लोग मान लीजिए पॉट में पानी दिया है, ये होल से अगर पानी निकलना चालू हो गया तब जाके आप लोग पानी टोटली स्टॉप कर दीजिएगा, ऐसा करके मेंटेन कीजिए। आप पीला लीव्स जो हो रहा है ये ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हो रहा है, ड्रेनेज अगर आपका ख़राब है तो आपका 100% लीव्स पीला होना चालू हो जाएगा। और एक बार बताता हूँ, जो नीचे साइड का लीव्स है वो अभी पीला होकर गिरेगा, उसमें डरने का बात नहीं है, आप सोचेंगे कि आपका अगर ऊपर साइड का लीव्स पीला हो जा रहा तब आपको सोचने का बात है, जब तक ऊपर का लीव्स पीला नहीं हो रहा नीचे साइड का लीव्स पीला हो रहा तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि नीचे साइड का लीव्स ही सबसे पहले आता है तो वो क्या है सबसे पहले पुराना हो जाता है, पुराना होने से वो जल पीला होकर गिर जाता है। भूल से भी दोस्तों ओवर फर्टिलाइजर करना नहीं है, ओवर फर्टिलाइजर देने से क्या होगा आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। देखिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फर्टिलाइजर लीजिएगा, 4-5 पॉट में आप लोग उसको डिवाइड करके दे दीजिएगा। आप अगर एक प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा एक मान लीजिए हमें 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बोला, आप लोग 3 ग्राम या 4 ग्राम फर्टिलाइजर हर रोज़ देना चालू कर दिया तो तब जाके आपका लिप्स का मुँह देखेंगे आप लोग जल गया है चारों तरफ से, तब जाके प्लांट का क्या होगा धीरे धीरे ग्रोथ खत्म हो जाएगा, प्लांट क्या होगा सूखना चालू हो जाएगा। और डाईबैक का प्रॉब्लम बोल रहा, डाईबैक का प्रॉब्लम आता है रूट्स का वजह से, रूट्स अगर आपका ठीक ठाक रहेगा तो डाईबैक का प्रॉब्लम आएगा नहीं। मान लीजिए ये डंगाली में डाईबैक आ गया तो मैं क्या करूँगा यहाँ से काट दूंगा, काटने के बाद ये प्लांट का जो डंगाली है पूरा प्लांट को मैं फंगीसाइड स्प्रे कर दूंगा, और रूट्स में क्या है फंगीसाइड वाला पानी को मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट दिन मैं क्या करूँगा ह्यूमिक एसिड को घोल के इसमें डालूंगा। आपके पास अगर कटिंग ऐड है तो आप कटिंग ऐड को भी डाल दीजिएगा, ऐसा करके मेंटेन कीजिए आपका प्लांट कभी मरेगा नहीं। और अभी क्या है आपको महीना में एक बार होने से भी ऑर्गेनिक खाद दे के रखना पड़ेगा, बॉर्न मिल हॉर्न मिल नीम खली सरसों खली अभी टोटल अप रहेगा, तो आप लोग नीम खली बॉर्न मिल और हॉर्न मिल के तीनों को एक साथ मिलाइए। बॉर्न मिल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसा एक पॉट के हिसाब से आप लोग 5 ग्राम करीब बॉर्न मिल लीजिएगा, 2 ग्राम आप लोग नीम खली लीजिएगा और 3 ग्राम करीब आप लोग हॉर्न मिल लीजिएगा, तो तीनों को एक साथ मिला लीजिएगा पर पॉट का हिसाब से करके आप लोग क्या करेंगे अच्छा से पॉट में दे दीजिएगा, उसका बाद फिर से थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिएगा, ऐसा करके आप लोग मेंटेन कीजिए आपका ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग बॉर्न मिल हॉर्न मिल और सरसों खली ऑर्गेनिक खाद दे के रखेंगे, केमिकल अगर आप लोग गलती से नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 15-20 दिन के बाद वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा और प्लांट को धीरे धीरे मिलता रहेगा, प्लांट का ग्रोथ भी आपका तेज़ी से बढ़ता रहेगा। और एक काम है आपका मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 या SM सॉल्ट किसी का भी नाम से आप लोग बोल सकते हैं, उसको भी आपको एक बार होने से भी प्लांट का पॉट में आपको दे के रखना पड़ेगा। आप लोग चाहने से स्प्रे कर सकते हैं लेकिन मैं बोलूँगा आप लोग रूट्स में दीजिए, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट में क्या है सल्फर रहता है जो आपका pH बैलेंस को ठीक ठाक रखेगा, ऐसा आप लोग मेंटेन कीजिए आपका प्लांट को मैंने हेल्दी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और लीव्स पीला होने से कोई डरने का बात नहीं, आप लोग रूट ट्रीटमेंट करना चालू कर दीजिए आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 15-20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।